28 है बस हो गया रहा। भाई यहाँ भी बड़ी लंबी कतार है। भाई लोग वेलकम बैक टू दी अनदर मोटो व्लॉग। आज थोड़ा तैयार व्यार होके राइड कर रहे हैं और मेरा प्लान है प्रतापपुर का में जो नया वाला ब्रिज बना है वहाँ जाने का। मैं आज सोलो, बहुत दिनों बाद सोलो। तो भाई यहाँ ट्रैफिक पे रुके हुए हैं, ट्रैफिक खुलेगा आगे घीचेंगे गाड़ी। सबसे पहले पेट्रोल भरवाना पड़ेगा क्योंकि भाई गाड़ी में कम एम्पटी दिखा रहा है, फ्यूल एम्पटी। गाड़ी को धुलवा के लाया था, आज पॉलिश वॉलिश किया हूँ। सर राजू भैया का भी प्लान था जाने का लेकिन उनका करने लगा दांत दर्द, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए। तो हम सोचे भाई हमें तो मन हो ही रहा है गाड़ी चलाने का, क्यों ना अकेले चला जाए। तो अकेले आ गए। भाई यहाँ भी बड़ी लंबी कतार है, 10-15 मिनट तो यहीं वेस्ट होने वाले हैं यार। होप जल्दी हो जाए, एक बारी हवा चेक करवा लेते हैं, उसके बाद अपन हो जाएंगे एकदम फ्री। आएंगे ब्रिज तक घूम के आएंगे अकेले। मेरा फेवरेट रोड है यार, और गर्मी आने वाली है और गर्मियों में ज़्यादातर जो शाम की राइड होती है ना, जो शाम होता है ना गर्मियों का, वो भाई सबसे खूबसूरत होता है, सबसे बढ़िया। सबसे बेटर मौसम तो ना मुझे बरसात का लगता है ना मुझे लगता है ठंडी का। लोग बोलते हैं भाई तू तो कैसा इंसान है यार, तो देखो गर्मी का मौसम अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज वो जो शाम होती है ना गर्मियों में, वो भैया हमारी फेवरेट है। भैया इधर आते ही ठंड का एहसास होने लगा। सिटी में तो वैसे ठंड नहीं लग रही थी बट इधर है भैया ठंड, जंगलों के अंदर अभी हम जाएंगे शायद और भी ठंड बढ़ सकती है। वैसे राजू भैया आते तो और भी मज़ा आ जाता, वही साथ में रहता है ना तो गाड़ी भगाने का अलग ही मज़ा आता है। अभी 85, 86 ऐसे जा रही है। मैं क्योंकि पुश नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा दूँ थोड़ा सा झुक जाऊँ तो 100 क्रॉस भाई। तो कल्याणपुर पहुँचने ही वाले हैं हम लोग, आराम थोड़ा सा आराम से चलाया जाए, बहुत भगा लिया हमने। 32 होगा देखते हैं कितना है। हाँ रहने दीजिए, आगे देखिए एक बार कितना है। 28 है बस हो गया रहने दीजिए। काफ़ी खूबसूरत सा व्यू, इसने अपनी औकात दिखा दी। देख लो अभी 200 का डलवाया था मैंने पेट्रोल, अभी रिजर्व में आ गई। इससे दुख भरी बात और क्या हो सकती है। बोलो इधर के खेत तो देखो क्या मस्त लगे। इधर तो देख लो जरा, इधर क्या व्यू है भाई साहब, क्या व्यू है। आगे एक शुगर की फैक्ट्री है, वहाँ ले जा रहे हैं ये गन्ने, इनसे बनेगी चीनी। दूर एक पहाड़ नजर आ रहा होगा यहाँ से, आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं। वो पता है क्या है, वो है भैया खदान, कोयले की खदान। इतना ऊंचा करके रखे हैं उसको, मतलब खोद खोद के मिट्टी उसके ऊपर चढ़ा चढ़ा के पहाड़ जैसा बना दिए हैं। दूर से देखो तो लगता है कोई पहाड़ है। तो हम जिस ब्रिज की बात कर रहे थे वो ब्रिज आ चुका है, महान नदी। भाई बरसात में इतनी भर जाती है ये नदी कि क्या ही कहने भाई, मज़ा आ जाता है देख के। वो नीचे तरफ से वहाँ से बालू लेके जाती है गाड़ी है। क्या हम नीचे जा सकते हैं या हमें जाना चाहिए? फोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी उधर, लो चलते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं, हमें मुड़ना है यहाँ से। कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो अपलोड करने की, तो प्लीज़ आप लोग ज़रा सब्सक्राइब कर दें। भाई साहब इससे आगे नहीं जा सकते हम। ए मेरे को तो वहाँ जाना था फ़ोटो खिंचवाने के लिए, यहाँ भी अच्छी फ़ोटो आती है, नो प्रॉब्लम।
लेट्स टेक अ पिक्चर। कभी कभी एक दो बार सोलो राइड भी कर लेनी चाहिए, खुद की कंपनी भी कभी कभी पसंद आ जाती है। क्या लग रही है, चलो फोटो लेते हैं एक फटाक से। देख लो शाम का टाइम है और गोल्डन आवर हो रखा है भाई। क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या व्यू आ रहा है, क्या नजारे हैं। और जो मैंने ब्रिज बताया था ना, बस ये वहीं का सीन है। ओ भाई साहब, इधर का देखो, जो इधर सूरज ढल रहा है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल ही दिख रहा है। और यहाँ अपनी गड्डी खड़ी है भाई, गड्डी देख लो। 2000 years later। ए शिरा, 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 शिरा। Hero! Hero!